डिंडोरी जिले के उपस्वास्थ्य केंद्र में हाल ही में मरम्मत कार्य किया गया है, उसके बावजूद पानी सीपेज होता है। तो यहाँ मरम्मत कार्य में गुणवत्ता को तक पर रखकर काम किया गया है, जो कि ठेकेदार के भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में दी गई। वही अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। वही उपस्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने वाले मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिंडोरी जिले के ग्राम चौबीसा के उपस्वास्थ्य केंद्र में मरम्मत का कार्य किया गया था, जहां घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था। छत के ऊपर ठेकेदार ने रेता सीमेंट सरिये की जगह डामर से बने चाकू जैसे चीज को छत पर रख दिया, जिससे बरसात का पानी अंदर सीपेज होता है। मरीज के साथ स्वास्थ्य कर्मी को भी परेशानी होती है। बेकार हुआ है, पहले मतलब कम ही टपक सकते, लेकिन अब तो ज्यादा ही टपक रहे हैं वाटर प्रूफिंग होने के बाद भी। अच्छा, कितने दिन पहले हुआ था ये? ये 6 महीने पहले हुआ है वाटर प्रूफिंग, और अभी पानी बहुत ज्यादा टपक रहा है।